सर ये सच में गठबंधन अलग हुआ है या फिर ये जस्ट एक दिखावा है? बुजुर्ग जो थे पाकिस्तान से पश्चिम पंजाब से, लौट देखा था नहीं जी, सुना है हमारे जो बुजुर्ग बताते थे। कभी जाने की इच्छा है आपकी? मौका मिले तो जाएंगे, समय लगे तो जरूर जाएंगे। हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो 35%, 38%, 40% तक पहुंची है। ये जो आंकड़े निकल निकल के आते हैं, आपको कभी लगता नहीं इस चीज से कि बेरोजगारी ज्यादा? आप गुमराह कर रहे हैं। कभी मस्ती मजाक की गप्पे शप्पे वाली बात भी होती है सर मनोहर लाल जी से? हाँ हाँ चलता है। मुख्यमंत्री जितनी जो पावर है हरियाणा में दूसरे इंसान के पास, वो मनीष ग्रोवर जी के पास है, आपके पास। सर फिल्में वगैरह देखते हैं कभी रात को? बहुत बहुत। कौन सी अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक विशेष जाट जाति से संबंध रखता है, अगर वो आपके पास काम लेके आता है तो आप काम नहीं करते? आप सर मोदी जी को क्या मानते हैं? अपना लीडर मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं? एक संगठन नहीं खड़ा करे तो 10 कैंडिडेट नहीं खड़ा कर, जनता क्यों विश्वास करेगी कांग्रेस पे? पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें लोगों ने आरोप लगाए थे गड़बड़ कर दिया आपने कुछ, आपके बीच में और रामविलास शर्मा के बीच में अनबन थी दोनों के बीच में। शुद्ध धर्म और शुद्ध राजनीति, इन दोनों के क्या पैमाने हैं? आप जो आपने कहा मंदिर जरूरी है या स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है? लोग कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है सर, घोटाला हुआ है कुछ, कि आपने भांग पी रखी है। आप भांग पीते हैं? आप जो है खट्टर साहब के आप भतीजे हैं, कोई कहता है आप खट्टर साहब के भांजे हैं, रिश्ता क्या है सर एक्चुअल में? मंत्री साहब कहते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं परिवारवाद पे यकीन नहीं रखता। मतलब ये धारणा कैसे आती है कि वो तो आपका बेटा है सर, वो आपको भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री जो है वो बदला है हरियाणा में, क्यों बदला सर? कैसा लगा सर हमसे बात करके आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपसे मुलाकात हुई जी। कुछ बिंदु को आपने वो बिंदु टच किए जो कोई नहीं टच करता, तो धन्यवाद आपका। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की पंचायत पर। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। थकान लग रही है सर? थकान महसूस हो रही है? जिंदगी में थकान आई नहीं कभी, जीवन के 50 साल इस राजनीतिक सफर के अंदर सेवा ही हमारा संकल्प है। आजकल क्या चलता है सर दिमाग में, क्या ख्याल आते हैं कि राजनीतिक तौर पर? मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश हित में काम करना, देश मेरा और आगे बढ़े, देश में और प्रगति हो, 140 करोड़ लोगों का विकास हो, ये मन में सपना रहता है 24 घंटे। चल आपको लेके एक जो खबरों का बाजार है उसमें एक बात गर्म है कि आपको भाजपा का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है हरियाणा का। मैंने सपने कभी लिए नहीं ज़्यादा, मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ, 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ, 2024 हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी मुझे देती है मैं निभाता हूँ। जैसे मैं बूथ का कार्यकर्ता था, मंडल का महामंत्री था, मंडल का अध्यक्ष था, जिला महामंत्री था, जिला का अध्यक्ष था, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, प्रदेश का मंत्री था, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, हरियाणा सरकार में मंत्री रहा हूँ। ये मेरी यात्रा है जीवन की अपने एक स्थान पर पार्टी। आपने उस चीज़ का तो जवाब ही नहीं दिया कि चर्चाएँ चल रही हैं, आप नकारना चाहते हैं उस चीज़ को? आपको मालूम होगा मेरी जानकारी में। आपकी जानकारी है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी कोई खबर देखी नहीं ऐसी? नहीं मेरी जान। सर अभी रिसेंट में जो घटना हुई है, भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री जो है वो बदला है हरियाणा में, क्यों तो बदला सर? इसको घटना क्या कहते हैं? एक राजनीतिक में एक संगठन में हमारा एक दल बदल का अपना अदल बदल होता रहता है, संगठन है जिम्मेवारी देना। आपकी पार्टी में अंदर तक हर एक चीज की जानकारी है आपको, हर एक चीज का आपको पता होता है? अदल बदल होता रहता है। ये हमारे माननीय मनोहर लाल जी संगठन महामंत्री थे, ये मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, आज ये MP का चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय पार्टी है, पार्टी जिम्मेवारी देती है, कोई काम काम करे, कोई कहाँ काम करे। वही आदमी हमारे मोदी जी हैं, कहीं हम राष्ट्रीय महामंत्री रहे, हमारे हरियाणा के प्रभारी रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, आज प्राइम मिनिस्टर। ये पार्टी का सिस्टम है, पार्टी के सिस्टम में जिम्मेवारी अदल बदल होती रहती है। कोई कारण तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बताया गया होगा कि क्यों बदल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई कारण, जिम्मेवारी हमारे संगठन में यही है, जिम्मेवारी वहाँ जहाँ संगठन तय करेगा वहाँ कार्यकर्ता जाएगा। जैसे माननीय मनोहर लाल जी 9.5 साल में हरियाणा की जनता की सेवा की है, अब केंद्र में सेवा करें, ऐसा संगठन ने सोचा होगा।
उस हिसाब से नई जिम्मेवारियां देने की। नई जिम्मेवारी लोग ये कहते हैं, लोगों का यह मानना है कि भाजपा की हरियाणा की इकाई को ये समझ में आ गया था और केंद्र ने जो सर्वे करवाया गया था उसमें ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी मनोहर लाल जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये आपका आकलन है, मेरा नहीं, राजनीतिक जो विशेषज्ञ है उनकी बात। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी करते थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, क्या मध्य प्रदेश में आई? दो तेज बहुमत के साथ मध्य प्रदेश भी आई, छत्तीसगढ़ भी आई, राजस्थान कह रहे थे बीजेपी आ सकती है, परंतु आ तो तीनों प्रांतों में आई। अब आपके कैमरे का क्या चेक करें मुझे नहीं पता। जनता देश के प्रधानमंत्री की जो काम है उसमें मोर लगा दी। ये आपने एक टोपी पहनी हुई है सर, ये बड़ी स्टाइलिश टोपी लगी मेरे को। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी का निशान है, कमल का। ये जो लाइन लगी हुई है इस टोपी पे ये किस चीज़ की है सर? ये एक तिरंगा जो भारतीय जनता पार्टी का दो हमारे रंग है उस रंग के साथ। इसमें हरा भी रंग है, लाल भी है, पीला भी है, सफेद भी है, कुछ दर्शाते हैं रंग? ये एक अंधेरे में चमकता है कमल का फूल, दिन में भी चमकता है अंधेरे में भी चमकता है, इसलिए ये एक इसका चिन्ह दिया गया। अभी जब आप बाहर बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याएं सॉल्व कर रहे थे, तब मैं आपके कार्यालय में एक व्यक्ति है उनसे बात कर रहा था यहाँ अंदर बैठ के। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे आपके बेटे के बारे में पूछा कि उनका भी कुछ प्लान है राजनीति में आने का, और वो कहते हैं कि मंत्री साहब कहते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं परिवारवाद पे यकीन नहीं रखता। मतलब ये धारणा कैसे आती है कि वो तो आपका बेटा है सर, वो आपको कहीं ना कहीं बेटा है उसकी तरक्की के लिए? नहीं, इसमें तरक्की वाली बात है, मेरे पास हजारों कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से संगठन में सेवा कर रहे हैं। पहला हकपूर्ण कार्यकर्ता जो लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, मैं भी कार्यकर्ता से निकला हूँ, मेरे भी बुजुर्ग कोई बड़े अहदे पर नहीं थे, बड़े बड़े भाई से थे, पोलिंग चुनाव पोलिंग वाले काम करते थे, मैं बूथों की पर्ची बांटता था, उससे में निकले हम सब। मेरे परिवार का कोई बड़ा पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखने वाला था, बेटा है वो भी राष्ट्र के लिए सेवा करता है, वो संगठन में हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं, हम पहले उस कार्यकर्ता को बढ़ाएंगे। पहले कार्यकर्ता बनेंगे, पहला कार्यकर्ता। तो आपके बेटे का नंबर कितने ही बाद में आया आपको कोई उससे फर्क? वो संगठन तय करता है, परंतु वर्तमान में मेरे से पूछ रहे हैं तो पहला कार्यकर्ता। सर एक आम जन में जब चर्चा होती है तो कोई कहता है कि आप जो है खट्टर साहब के आप भतीजे हैं, कोई कहता है आप खट्टर साहब के भांजे हैं, रिश्ता क्या है सर एक्चुअल में? माने हमारे संगठन मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं जी, लंबे समय से हम संगठन के साथ उनसे साथ मिलकर काम किया हुआ है, क्योंकि बनियानी गाँव हमारे रोहतक जिले का है जी, कलानौर विधानसभा में है, तो मैं रोहतक में हूँ, इस संगठन आते एक संबंध हमारे बड़े हुए हैं, वो आज भी हैं, वो रहेंगे, फिर से उम्र से भी बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं, हमारे को उनसे मार्गदर्शन मिलता है, संगठन की धार थे, एक संगठन के नाते एक आप संगठन मंत्री रहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ हमने काम किया, इसलिए संगठन आते हैं उनसे प्यार है। कोई पारिवारिक रिश्ता? कोई पारिवारिक रिश्ता संगठन संगठन के नाते हमारा सब संगठन ही हमारे परिवार होते हैं, एक दूसरे के रिश्ते हमारा संगठन पार्टी है। सर आमतौर पर जब भी आपको कभी आपका कोई इंटरव्यू देखा जाता है या कभी भी आपको किसी भी माहौल में देखा जाता है, बड़े सीरियस रहते हैं सर, मतलब आपको हंसी से परहेज है? या आपको लगता है कि कम हंसूंगा तो लोग मेरे को ज़्यादा सीरियस लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हंसना खेलना रहना जिंदगी का आनंद है, इसलिए जिंदगी को हर मोड़ पे कैसे चलना उसी हिसाब से चलना पड़ता है। सर हम जो इंटरव्यू करते हैं ये थोड़ा सा तीखा भी होता है, थोड़ा सा कैजुअल भी होता है, मज़ेदार भी होता है, तो इसी नाते वैसे मैं बहुत कम ये सवाल भी पूछता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अगर चलो आपने कहा कि मैं हंसता रहता हूँ, तो मैं सर एक कोई चुटकुला सुना दीजिए, मैं चुटकुला सुनना चाहता हूँ आपसे, अगर आप हंसते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ आप किसी ने किसी चीज़ को सुन के देख के हंसते हैं, या ऐसे ही बता दीजिए कोई बात कि इस बात को सुन के मैं सुबह हंसा था या कल हंसा था।
जिंदगी के कई मोड़ आते हैं जी, और हंसने का मूड अगर मेरे साथ सुबह शहर पे आएंगे जी, मेरा एक ग्रुप है लंबे समय से जी, हम खूब ठेके मारते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं जी, सुबह पार्क जाना, आप मार्टोन पे चाय पे बैठा, हमारा ग्रुप है पुराना 30 साल 40 साल से, उनसे एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं, व्यक्तिगत भी परिवार भी ऐसे मजाक हमारे चलते रहते हैं, और इसलिए समय होता है हंसी मजाक उस हिसाब से करते हैं। इसलिए जिंदगी का आनंद अपने को सेवा में आनंद आता है, उसी एंगल में अपनी सोच उधर तक जाती है, और ये सोच जारी रहेगी जब तक मेरे शरीर में खून है। तो वो हंसी सुबह तक ज़्यादा, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा हम सब 15-20 ग्रुप का पहले पार्क में जाते हैं, फिर मार्टोन पे चाय की दुकान पे हम चर्चा करके ठेके मारते हैं, दबा के एक दूसरे को हंसी मजाक करना, छीटा कसी करना, हंसी मजाक कर लहजे से वो करते हैं। अगर उसकी किसी टाइम वीडियो को तो भेज दूंगा सर, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको सीरियस ज़्यादा देखा है। मेरा ये छोटा जी बता देगा, वीडियो दे देगा, ये हमारे साथ होता है, मैं उसको इंटरव्यू के बीच में उस वीडियो का लगा दूँगा। सर एक मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें लगता नहीं है कि ये चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आप MLA, आप मंत्री, आप उपाध्यक्ष भाजपा के, आपके पास संगठन की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रही, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी, होली की वीडियो थी सर, वो मेरे को तो आप बड़े मस्त मौला लगे उस वीडियो में, आप ढोलक पे नाच रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, मतलब आपको देख के लग ही नहीं रहा था मंत्री। मैं होली का त्यौहार, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, होली का त्यौहार सबसे बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा त्यौहार होली के त्यौहार में, उसके कारण कई हैं, जो देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति पाति को लाकर खड़ा कर दिया, और मैं जाति पाति के खिलाफ, जब मैं रंग लगाता हूँ जी, रंग आपका फेस का लाल है गोरा है, जब रंग लगेगा तो आपका गोरापन खत्म होकर जो रंग लगा वो नजर आएगा जी, एक ब्लैक कलर का है इंसान उस पर रंग लगाऊंगा वो गोरा और ब्लैक वाला बराबर लग जाएगा, उसमें जाति भी छिप जाएगी, वो एक इंसान नजर आएगा। इसलिए रंग बिरंगी होली खेलना, जिससे सारा मानव एक नजर आता है, जाति धर्म से उठकर देश के लिए ये रंग होली एक, इससे बड़ा कोई अच्छा त्यौहार नहीं, इससे जो छोटी मोटी कड़वाहट है वो भी निकल जाती है। इसलिए होली के त्यौहार को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, इस साल नहीं खेल पाया कि परिवार के अंदर बड़े भाई की डेथ की वजह से, इसलिए नहीं, तो मैं होली के त्यौहार को बड़े 2-3-4-4 दिन लगातार खेलता हूँ। ये सर, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, वैसे आपको कब समझ में आई सर ये चीज़, कब सीखी आपने ये बात, जाति पाति नहीं, ये रंग लगा के और ये सब, मैंने कहा ये मेरा जीवन बचपन से ही आपको, बचपन से बुजुर्गों ने आपको समझाई, बचपन से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शाखा में जाना जी, रंग बराबर होली रंग खेलना, आप एक दूसरे को मट्टी लगाना, कीचड़ लगाना, एक नेचर है, जो मट्टी हमारी माँ है उस मट्टी को अपने मत्थे पे लगाना, इससे हमारे को शक्ति ताकत मिलती है। वो जो आपकी वीडियो थी उसके बारे में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कमेंट भी कर रखा था कि आपने भांग पी रखी है, आप भांग पीते हैं? मैं कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, आप भांग को वैसे नशा मानते हैं? नशा नहीं है, मैं उस एक एंगल पे मतलब कहने का, मैं लेता नहीं कभी, उसको नशा नहीं है जी, साधु संत समाज भी लेते हैं, सब कुछ लेता, परंतु उसको मैं नहीं लेता, नशा नहीं, आप हाँ उसमें नशे की रूप में नहीं कह रहा, एक किस्म प्रसाद के रूप में मान लो उसको, क्योंकि समाज हमारे भारत के लोग काफ़ी संत समाज इसको भांग को समय समय में भी लेते हैं, परंतु मैं उसे मैं आदत में डाला नहीं। सर आपने जाति पाति की बात आपने की, आप पे इल्ज़ाम भी लगते हैं, आपको पता भी होगा उन इल्ज़ामों का, मैं एक बार आपसे क्लेरिफाई भी कर लेता हूँ चीज़ें। मुख्य तौर पर सर मोटी मोटी तीन बातें हैं जो आम चर्चाओं में सामने आती हैं, एक बात आती है बार बार उठ के सर, जाट आरक्षण के टाइम की, कि जाट आरक्षण के टाइम पे जो गड़बड़ हुई है, जो रोहतक जला है, कुछ लोग आप पर उसका ब्लेम डालते हैं, कुछ लोग जो है कांग्रेस पर उसका ब्लेम डालते हैं। मैं उस समय का यहाँ का विधायक था जी, जब ये 2016 में घटना घटी, जो विपक्ष था
विपक्ष के साथ और भी जो लोग थे वो सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाएंगे, ये एक स्वभाव है इंसान का जी। परंतु प्रूफ नहीं है, प्रूफ हो जिस तरह मेरे साथ वो बीती हैं 3-4 रातें दिन, वो मुझे पता है क्या हुआ उन 3-4 रातों में, क्या 3-4 रातों में जो मेरा रोहतक का नुकसान हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा सबसे काली रात वाला होता है, इससे बड़ा मैं जिंदगी का मेरे लिए हानिकारक नहीं हो सकता था। आपके लिए बहुत बुरा समय मानते हैं कि आप, मैं बोलता हूँ उस समय विधायक था, आरोप मेरे पे आने थे, मेरी जिम्मेवारी बनती थी, परंतु फिर भी उस समय मैं आपको क्लिप दिखाऊँ जैसे मैंने गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के अपना PS CM को, होम सेक्रेटरी को बराबर टच में रहा, DGP को बराबर 5-5 मिनट में लगातार संपर्क में रहा, परंतु वो घटना घटी, वो घटना हमारे शहर के लिए बड़ी दुखदायी घटना थी। दो चीज़ें और आती हैं सर, हालांकि कभी ये मीडिया में, किसी भी प्रिंट मीडिया में या यूट्यूब पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी ये चीज़ नहीं आई, लेकिन आम जन की बातें जो आम लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर कोई भी रोहतक में, रोहतक के आसपास का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक विशेष जाट जाति से संबंध रखता है, अगर वो आपके पास काम लेके आता है तो आप काम नहीं करते। अब पहली बात तो ये सवाल भी आपके लिए मुझे लगता है कि पहले पूरे कैमरे को पूरे इस इलाके से घुमा के पूछ के कर देना चाहिए जी। अगर आप सुबह से शाम तक यहीं बैठेंगे, आपको दिखा दूंगा कि समाज के कौन लोग मेरे पास, मेरे 36 बिरादरी मेरे पास आते हैं, खाली रोहतक नहीं आता जी, रोहतक के बाहर के जिले के लोग भी मेरे पास आते हैं, और मेरे को हर जाति से प्यार है। मैंने कहा मैं जाति पाति की राजनीति नहीं करता, मेरे खून में नहीं है ना। आप कभी आपके दिमाग में चीज, मैं आता, मैं मानव एक दूसरे को, घर किसी ने परमात्मा किसी के घर पैदा किया होगा, कोई सा परमात्मा है, कोई नांदल के घर होगा, कोई ग्रोवर के घर होगा, कोई काद्यन के घर होगा, कोई मनोचा के घर होगा, ये जातियाँ हैं, जाति परमात्मा ने भेजी है, मना इंसान है, हम सब इंसान ही परमात्मा के रूप में आए हैं, जिसकी ये मानसिकता रहती है जाति पाति, वो इससे छोटा आदमी हो नहीं सकता। सर आमजन एक आरोप और लगाते हैं, एक ये पुल बना था सर बीच में यहाँ पर, जो मॉडल स्कूल से लेके वह पूरा रोहतक को क्रॉस करता है और बहुत बहुत सुविधा मिली है लोगों को उस पुल की वजह से, लोग कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है सर, घोटाला हुआ है कुछ। जो कुछ आपके पास कोई सबूत हो जी उसको इंक्वायरी करा, किसने रोका, कहने से नहीं बढ़ेगा, कहना और थूक के फेंक जाना भाग जाना ये नहीं होता, आपके पास कहीं भी कोई ऐसी सबूत मिले उसकी जांच कराने में सरकार भी तैयार बैठा और मैं भी सामने आऊंगा आपके कैमरे, उन लोगों को भी लाएं जो ये आरोप लगा रहे हैं। सर इन सारी बातों को अलग करें तो हम एक बात और निकल के आती है, बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज़ है सर, जब मनोहर लाल खट्टर जी जब CM थे तब भी वो बात आती थी और अब भी वो बात आती है आपके बारे में, तो वो ये बात है कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे या उप मुख्यमंत्री का नाम कोई भी हो, मुख्यमंत्री जितनी जो पावर है हरियाणा में दूसरे इंसान के पास वो मनीष ग्रोवर जी के पास है, आपके पास है, जितनी मुख्यमंत्री की चलती है उतनी ही आपकी चलती है। सर आप अभी तो आप MLA भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, कैसे होता है सर ये पॉसिबल, कैसे चलती है, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ सर ये थोड़ा सा। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी 30 साल। 30 साल जी, और मेरा 1971 का जनसंघी आदर्श लगा, 2014 से पहले हमें किसी गठबंधन की सरकार में कई बार थोड़ी बहुत आ जाते थे, वर्तमान में 2014 से लेकर आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। अगर मेरा विपक्ष का कार्यकाल आप देखोगे जी, उस समय भी चलते थे जी, मतलब आप सबके साथ प्यार प्रेम बना के रखते हैं, जनता की आवाज उठाना मेरा फर्ज है, जनता के लिए मैं लड़ता था,
फिर अगर कार्यकाल पुराना देखें तो आप देखो उससे ज्यादा चलती थी आज से। तो आप मानते हैं कि आज आपकी एक मुख्यमंत्री के बराबर आपकी चलती? मैंने कहा मैं उससे ज्यादा चलती पहले वाली कह रहा हूँ विपक्ष में। जी विपक्ष का कार्यकाल मेरा देखोगे तो पब्लिक के हितों के मैं काम करवाता था, जनता के लिए लड़ता हूं, मैं अपने लिए लड़ता हूं, जनता के लिए काम करूंगा, सरकार मेरी अपनी हो या विपक्ष की। निरंतर आप लोगों के लिए काम करते हैं? जनता मेरा जीवन, देश, राष्ट्र और समाज के लिए पैदा हुआ और उसके लिए जब तक मेरे शरीर में कोना करता रहूं। सर एक पुरानी फोटो है, आपके पुराने साथी हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, राजकुमार कपूर जी, उन्होंने एक फोटो पोस्ट की कुछ दिन पहले फेसबुक पे। उस फोटो में आप, वो और राजू सहगल जी, आप तीनों जने जो है बाइक पे, पुरानी बहुत पुरानी फोटो, शायद 1992 की फोटो है। उस समय जो एनर्जी थी, जो शरीर में ताकत थी, जो जोश और जज्बा था, वही अभी थोड़े दिन पहले आप दोबारा बाइक पे थे, वो सेम बरकरार रही है या फिर कुछ फर्क पड़ा? तो हो सकता है उस समय तो मेरा राजू सहगल के साथ इतना लिंक नहीं था, उनके परिवार में था जी, और राजू सहगल उस समय तो शायद मैं कहीं इंडियन नेशनल लोकदल में थे जी, तो मेरे को क्या, तो मेरे तो 2017-18 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, पहले वो चौटाला परिवार में थे। हो सकता है कोई सोशल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आप साथ नजर आए जी। वर्तमान में तो राजकुमार हमारा पार्टी का पुराना वर्कर है जी, तो स्कूटर मोटरसाइकिल, अभी युवा मोर्चा की हमारी 6 अप्रैल को यात्रा निकली थी, उसमें मोटरसाइकिल में था, और जब रोहतक से जींद हमारे उस समय के अमित शाह जी आए थे, तब भी स्कूटर मोटरसाइकिलों पे गया था। स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल चलाना है मेरा बचपन का स्वभाव और अब भी है। तो जोश और जज्बा, जो जुनून है, वो उतना ही बरकरार? जोश तो मैंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में खून है तब तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, चलकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये तो आपने पुष्पा फिल्म का डायलॉग मार दिया सर, मैं झुकेगा नहीं। सर एक यूजुअली देखा गया है कि सर जो राजनेता होते हैं उनका, वो एक तरह से राजनीति को ही अपना बिजनेस बना लेते हैं, उनके राजनीति के इतर कोई और काम धंधा या कोई और बिजनेस नहीं होता। तो आपका सर राजनीति ही आपका बिजनेस है या फिर इसके इतर आपका और कोई काम है? राजनीति मेरा बिजनेस है, राजनीति मेरी सेवा है। मैंने कहा कि मैं देश पहले, फिर पार्टी, फिर मैं, इसलिए राजनीति के मेरा कोई बिजनेस नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्र की सेवा करना मेरा पहला इंसानियत का है। मेरा व्यापार है, मेरा गांव समर गोपालपुर से निकले हुए, आज भी हमारे मामा जी हैं और हम जब से देश का विभाजन हुआ था तब से हम सब परिवार इकट्ठे हैं, एक ही व्यापार है और एक ही बिजनेस है 50-60-70 साल से। क्या बिजनेस है सर? हमारी आहूजा बैरल सप्लाई कंपनी फर्म है। सॉरी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सर? आहूजा बैरल सप्लाई कंपनी, एम्प्टी बैरल अगर आपको पता हो तो, एम्प्टी बैरल का काम है हमारा, एम्प्टी बैरल का काम है, मलेशिज का काम है, ऐसे करके हमारा 60-70 साल से वही व्यापार चलता आ रहा है। राजनीति संपूर्ण रूप से सेवा? मेरा संपूर्ण, क्योंकि परिवार बड़ा है, कुटुंबा है, उन्होंने जो मुझे राष्ट्र के लिए दे रखा है वो व्यापार देखता परिवार, उस व्यापार से मैं आता जाता हूँ जब भी मौका लग जाता है, परंतु ज़्यादा पार्टी की और जनता की सेवा में ही पूरा मेरा समय लगता है। सर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का भी आपके साथ एक बार नाम जोड़ा जाता था, या कृष्ण हुड्डा जी थे वो, उनके साथ किए आपका, उनके साथ कोई बिजनेस टाइप है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो लाभ जुड़े, मैं विधायक और मंत्री लोग मेरे साथ जोड़ेंगे, ये स्वाभाविक चीज है, होता है। यह बात करना चाहता हूँ मैं, आप इन दोनों चीज़ों में से क्या जरूरी समझते हैं जो आपको लगता है? सर मंदिर जरूरी है या स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है?
मंदिर हमारी आस्था है, मंदिर हमारे सनातन धर्म की आवाज है। सनातन धर्म की वजह से हम आज एक मट्टी की बनी मूर्ति, उसमें भी भगवान है, शिवलिंग पत्थर से बना हुआ शिवलिंग, उसमें भी शंकर बोले हैं, इसलिए जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोड भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है। ये सबसे पहले हमारी आस्था भगवान के प्रति है। तो आप वोट जो है वो आस्था के नाम पे मांगना पसंद करेंगे या काम के नाम पे मांगना पसंद करेंगे? धर्म को राजनीति में जोड़ मानेंगे, परंतु धर्म और राजनीति जरूरी भी है। राजनीति को शुद्ध लाना तो धर्म को शुद्ध होगा, धर्म शुद्ध होगा तो राजनीति भी शुद्ध होगी। धर्म और राजनीति का बराबर का रिश्ता है। शुद्ध धर्म और शुद्ध राजनीति, इन दोनों के क्या पैमाने हैं? आप जो आपने शुद्ध धर्म है कि जीवन में जहां भी आपको जिम्मेवारी मिली है, परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर जनता की सेवा करो, अंतिम व्यक्ति की चिंता करो, जिसके पेट में रोटी नहीं है उसकी चिंता करो, जिसको छत नहीं है उसको छत दिवाने की चिंता करो। तो भगवान राम का, परमात्मा का यही है, जीते जी इंसान की आप सेवा करोगे तो परमात्मा भी आपको आशीर्वाद बनाएगा। कौन से भगवान को मानते हैं सर आप? मैं सनातन धर्म, धर्म सबको मानता हूँ, सभी भगवानों को। सब आस्था हमारी, हम भगवान के रूप में यहाँ धरती पर आए हैं, उन्होंने जो काम भगवान ने हमारे से लेना वो काम हम करें, हमारी आस्था सब है। सर मैं बात थोड़ी सी पीछे जाके 2014 की करना चाहता हूँ। 2014 में एक बात निकल के आती है और ये बार बार एक किताबों में भी लिखी गई है, मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हैं जहाँ लिखी गई है, आपके बीच में और रामविलास शर्मा के बीच में अनबन थी दोनों के बीच में। वो अनबन ये थी कि पार्टी प्रधान बनने को लेके, पार्टी की लीडरशिप को लेके। सर ये सच बात है या फिर ये सुनी सुनाई बात है? अब ये मेरे 55 साल में पहली बार आपने इस माने रामविलास जी के प्रति जो आपने कही है। रामविलास जी तो मेरे गुरु हैं, डॉक्टर मंगल सेन जी के बाद उन्होंने उंगली पर के चिढ़ाया हमारे, मैं तो उनके चरणों में धूल हूँ, वो मेरे लिए तो नेता मेरे। अब ये बात पहली बार आपने कहाँ से निकाली मुझे नहीं मालूम। मैंने रामविलास जी शर्मा के दिखाए रास्ते, उन्होंने हमें यहाँ पर ला के खड़ा किया, मैंने रामविलास शर्मा की देख। सर अभी रिसेंटली हुई हैं सारी बातें जो मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ सर? पहले जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने आपका पुरजोर समर्थन किया, आपके पक्ष में नारे लगाए, हमेशा आपको अपने परिवार का हिस्सा बताया, उसके बाद आपके खिलाफ वो बोलने लग गए, अब दोबारा आप फिर साथ एक साथ दिखाई देते हो। चलो ये चीज़ें हैं, परिवार में होती रहती हैं, एक राजनीतिक परिवार में भी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये सर जब अनबन होती है उसके बाद वापिस जब आप एक हो जाते हो, क्या बातें होती हैं? मतलब दोनों बैठ के क्या बातें आपस में करते हो कि क्या हुआ, क्या बोला, क्या बात हुई? मेरे मित्र छोटे भाई, ये किस परिवार में जब सामूहिक बैठोगे वाद विवाद नहीं होता? कुछ क्षण थे, आए चले गए। आज के दिन फिर भी हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कमल का फूल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कमल का फूल, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माने मनोहर लाल जी का कमल का फूल, हमारे वर्तमान के माने मुख्यमंत्री जी नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का कमल का फूल डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लाए हैं, और उसको दूसरी बार यहाँ से MP चुनाव जिताकर हमने भेजना है मोदी जी की झोली में डाल। एक ही तय हमारा, एक ही टारगेट है, दिन रात करके उसके काम हम उस कमल के लिए फूल हम कर रहे हैं, और सारा मेरे हजारों कार्यकर्ता इसी काम में आगे बढ़ा रहे हैं।
पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें लोगों ने आरोप लगाए थे गड़बड़ कर दिया आपने, कुछ गड़बड़ करवा के जितवाया अरविंद शर्मा जी को। या तो उसके खुल का नाम लो, फिर उन्होंने कहा गड़बड़ है, आपके पास कोई ऐसी जानकारी तो बताओ किसने कहा ये गड़बड़। सर आपने भी देखा होगा कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा कोई क्लिप आपने ऐसे नहीं देखी। चलो मैं मान लेता हूँ अगर आप वो चीज कह रहे हैं। आपके पास कोई आया तो मैं उसी हिसाब से जवाब। चलो सर मेरे पास खुल के जानकारी आएगी तो मैं आपके समक्ष जरूर पेश करूँगा, बता सर। वैसे भाजपा के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे JJP है, ILD है और कांग्रेस है, ऐसा कोई तो नेता होगा सर जो आपको ठीक लगता होगा या पसंद आता होगा कि ये नेता अच्छा है इन पार्टियों में? सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सब अच्छे। आपके विरोधी हैं? बेशक मतभेद हो, विरोधी हो, सबको अपने अपने विचारों पर जाकर अपने मोर्चे पर खड़ा होना है, कोई गलत नहीं होता। जनता तय करेगी कौन अच्छा को गलत, मैं क्यों होना तय करने वाला। जनता फैसला करेगी इसको अच्छा लगता है गलत लगता है। सब अच्छे हैं, देश और प्रदेश में सब नेता अच्छे हैं। जनता बताएगी कौन हमारी सेवा करे। आपसे आपकी कोई लड़ाई नहीं है सिर्फ पार्टियों की लड़ाई है? पार्टी की भी कोई लड़ाई नहीं, विचारधारा, विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा है देश के लिए हित में कौन सी विचारधारा सबसे आगे, देश को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सी दल है। सर ये जब आंकड़े निकल के आते हैं आपको कभी इन चीजों से दुख नहीं होता कि अब जैसे एक आंकड़ा है हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो 35%, 38%, 40% तक पहुंची है, ये जो आंकड़े निकल निकल के आते हैं आपको कभी लगता नहीं इस चीज से कि बेरोजगारी ज्यादा? आप गुमराह कर रहे हैं सर, ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन है, गुमराह कर रहे हैं जी। कैसे गुमराह कर रहा हूँ मतलब? आप बताओ, लाओ मेरे पास आंकड़े, ऑनलाइन में आपको दिखाऊं? आप पता नहीं कौन से ऑनलाइन से चैनल से आपने उठाए होंगे। वर्तमान में जब से हरियाणा बना है जी, पुराने मुख्यमंत्री का कार्यकाल निकालो, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल की भर्ती देख लो, कौशल विभाग द्वारा भर्ती देख, ठेका प्रथा चलती थी कांग्रेस टाइम में, दलालियां चलती थी, आज ठेका प्रथा करके उनको उसी तरह नौकरी दी गई है जिससे उनकी आने वाले समय में उनको सरकारी जो नौकरी पक्के लगे उसी हिसाब से उनको सब लाभ मिले। सड़कों का जाल, हॉस्पिटलों का जाल, शिक्षा का जाल, इतना नौजवान आज हरियाणा का काम कर रहा है। सर ये आपने बड़ी ऐसी बात कह दी कि आप गुमराह कर रहे हैं, मैं तो आपको ऑनलाइन डाटा जो है बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट्स ने, मैं कह रहा हूँ गुमराह करो, सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं, गुमराह नहीं कर रहा। आप बताओ ना 35 का आंकड़ा लाओ मेरे पास, मैं आपको अभी मैं कह रहा हूँ कौन से चैनल से ठा के लाए हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ गलत गुमराह करो, 35% कहीं नहीं है। चलो सर मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको दिखा दूंगा, दिखा देना ऑफ द रिकॉर्ड, मैं भी बता दूंगा कितने आपको वर्तमान में हमारा आंकड़ा है। क्या लगता है सर आपको 10 की 10 लोकसभा सीट अब की बार भाजपा जीत जाएगी? 100%। पिछली बार से क्या अलग तैयारियां हैं सर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता है दूसरी तैयारी चालू कर देता है। अच्छा वो जो इलेक्शन मशीन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना रुकती ना थकती, या परिवारवाद की पार्टी नहीं है, वहां परिवारवाद आपको दिखते हैं ये लगे हुए, यहाँ वर्कर लगा हुआ है। जैसे ही 2019 का रिजल्ट आया विधानसभा का, पार्लियामेंट का, हमारा वर्कर फिर जनता के बीच में, केंद्र की जो योजना है नीतियां जनता को बताना, प्रदेश के काम जनता तक ले जाना। रोहतक लोकसभा को कितने मार्जिन से जीतेंगे सर? अच्छे मार्जिन, कोई आंकड़ा देना चाहते हैं? अच्छे मार्जिन, अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, दुर्भाग्य इस बात का है, घोषणा पत्र तो हो गया, कांग्रेस के 10 प्रत्याशी नहीं आए, क्या जनता से मजाक करें? जनता क्यों विश्वास करे कांग्रेस पे? डॉक्टर अशोक तंवर आए अध्यक्ष, कार्यकारिणी नहीं बना सके, कुमारी शैलजा नहीं बना सकी, चौधरी उदय भांजिया नहीं बना सके, एक संगठन नहीं खड़ा करे तो 10 कैंडिडेट नहीं खड़ा कर, जनता क्यों विश्वास करेगी कांग्रेस पे? डॉक्टर अशोक तंवर तो अभी आपकी टीम में, मैं कह रहा हूँ वो तो समझे नहीं जी, वो सवाल आए ना वो बात का विषय, मैं तो उस समय का कार्यकाल बता रहा हूँ,
आज तीन तीन अध्यक्ष कांग्रेस के आगे अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, वो जनता की क्या सेवा करेंगे? वो अपने घोषणा पत्र को कहाँ इंप्लीमेंट कराएंगे? 10 प्रत्याशी जो नहीं घोषणा कर पाए, जनता क्यों उन पर विश्वास करेगी? जनता विश्वास करिए मोदी जी पर, मोदी जी पर या बीजेपी पर? बीजेपी की मोदी जी है जी, मोदी जी बीजेपी हैं, अमित शाह बीजेपी हैं, नड्डा जी बीजेपी हैं, मनोहर लाल जी बीजेपी है, नायब सैनी बीजेपी है, मनीष ग्रोवर बीजेपी है। इसलिए जो एक संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे, 10 प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे, क्या हरियाणा की जनता उनको विश्वास करेगी? उनके राहुल की गारंटी को क्यों मानेंगे? आज के दिन गारंटी मोदी जी की जनता मान रही। आप सर मोदी जी को क्या मानते हैं? अपना लीडर मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं? मेरे आदरणीय मोदी जी, जिनके साथ मैं संगठन में काम भी किया था, जब वो हरियाणा के प्रभारी भी थे, संगठन की काफ़ी सूझबूझ है हमको, उनके दिखाए रास्ते पर, मार्गदर्शन पर हम संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी में सेवा कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश को 140 करोड़ को 4 भागों में बांटे हुए, किसान, युवा, महिला और गरीब, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है, जो सोच है 140 लोगों का, उसी के दिखाए रास्ते में हम काम कर रहे हैं। नहीं, आप मानते क्या हैं? वो सवाल का जवाब तो आपने अपना इसी में आ गया ना, मोदी जी के दिखाए रास्ते में हम चल रहे हैं। सब कुछ मानते हैं आपने। सर, ये जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ है, आप जेजेपी और आपका गठबंधन अलग अलग हुआ, सर ये सच में गठबंधन अलग हुआ है या फिर ये जस्ट एक दिखावा है? क्योंकि नज़र ये आता है कि आप वो अलग कैंडिडेट अपने उतारेंगे मैदान में, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही फायदा करने वाले हैं। ये बैकडोर मीटिंग कुछ हुई है? कौन किसका फायदा करता है? कौन अपने दल को कमजोर करता है? बीजेपी ने अपना दल बना रखा है, अपना बढ़ाएंगे। बीजेपी अपना दल है, अपना बढ़ाएंगे। ये एक अपनी अपनी ताकत है। लोकतंत्र में सबको अपना अपना स्वतंत्र है, कोई किसी को नहीं बढ़ाता। क्या 2019 में रिजल्ट आए तो 10 सीटें आई तो जनता ने दिया है? तो आए जनता ने उनको दिया है अधिकार, है जनता तय कर ले कौन किसकी कौन मदद करता है। कोई किसी की नहीं मदद, अपनी पार्टी को सब अपना बढ़ाने लगे, उनको बढ़ाना चाहिए अपनी पार्टी। सर 4.5 साल बाद भाजपा की नींद खुली, 4.5 साल बाद यूँ समझ के आया कि बीजेपी जो जेजेपी है वो नाकारा है? हमने तो नकारा वाला शब्द कहा नहीं। गठबंधन तोड़ने का कोई गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं, सरकार का गठबंधन, चुनाव लड़के का गठबंधन नहीं था हमारा। उस समय जो था वो अपने स्वतंत्र जीत के आए थे, हम अपने जीत के आए थे, सरकार मिलकर बनाई दोनों ने, पार्टी का गठबंधन नहीं था। तोड़ने का कोई कारण नहीं था सरकार का गठबंधन का, ऐसे ही बस मन आ गया। और वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा 10 के 10 हम लड़ेंगे, हम भी कहा 10 के 10 हम लड़ेंगे। खैर सर, ये तो है तो बड़ी विचित्र बात की बिना विरोध के, यही तो बीजेपी की पहचान है, अपनी ताकत वो बढ़ाएं, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। सर फिल्में वगैरह देखते हैं कभी रात को? बहुत बहुत। कौन सी अभी रिसेंटली कौन सी मूवी देखी? मैं 1971 में एक पिक्चर देखे थे 10वीं क्लास में जी, यहाँ रायटा की होती थी जी, 60 पैसे की टिकट थी और मेरी जेब में पैसे नहीं थे। विश्वकर्मा स्कूल में पढ़ता था, अपनी कापियाँ जो पुरानी रद्दी वाली बेचकर हमने दो दोस्तों ने 60 पैसे इकट्ठे किए, 30 पैसे उसे खर्च करिए 30 महीने के इंटरवल से पहले मैंने देखा, इंटरवल के बाद होता सूरज पिक्चर देखी। सूरज राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, मुझे जो याद है ये पिक्चरों का शौक है। अभी रिसेंटली कौन सी देखी है सर?
अभी समय नहीं लग पा रहा। फिर दो महीने पहले तीन महीने पहले देखी हो? अभी नहीं समय नहीं पा रहा, काफी समय पार्टी के काम में लगा हूँ, परंतु मौका लगते है रात को ठहर कर 10 मिनट 15 मिनट जैसा समय लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जैसे रिलैक्स करने के लिए डेली रोज भीड़ भाड़ आपको भाषण देने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, आप जैसे मित्र ढूंढ लेता हूँ कहीं ना कहीं रिलैक्स, गाड़ी में बैठे बैठे हंसती बातें बात करते जाते हैं, बात करते रहते हैं। तो छुट्टियाँ बनाने वगैरह नहीं जाते साल में एक दो बार की कहीं घूमने वगैरह चले गए? जाता हूँ चुनाव के समय ना हो या ज़्यादा पार्टी का काम ना हो तो चले जाते हैं, नहीं तो कहाँ घूमने जाते हैं कहाँ पसंद? नहीं तो धार्मिक स्थलों पर चला जाता हूँ, ब्यास है राधास्वामी वहाँ सत्संग में चला जाता हूँ, मथा अभी अयोध्या घूम के आया मैं जी, काशी विश्वनाथ हरिद्वार अमरनाथ की यात्रा, जहाँ जहाँ जैसा समय लगता है उस हिसाब से तीर्थ स्थानों पे कैलाश पर्वत पर। मिठाइयाँ खाने का शौक है? हाँ है, पर तो शुगर की वजह से मीठा कम करता हूँ, खाता हूँ। कौन सी फेवरेट मिठाई है? सारे मेरे लिए सब है मीठा, जिसमें मिठास हो कोई भी दे दो वो अच्छी लगती है, कोई एक ऐसी नहीं है कोई फेवरेट। तो कोई ऐसा हलवाई है, कोई दुकान है रोहतक में जो आपकी पसंदीदा है कि यहाँ से मैं मिठाइयाँ लेके आता हूँ? मैं जहाँ मोड़ पे मिला वहीं से लेते, सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं रोहतक हमारे, चाय की दुकान हमारे यहाँ दो बहुत अच्छी है। दो दुकान कौन सी सर? एक तो अशोका मोड़ पे अगर सुबह 5 बजे आके देखो तो, एक जहाँ मॉडल टाउन में हम बैठते हैं। क्या नाम है सर इन दोनों दुकानों का? नाम तो ऐसा उनका को आपके इंटरव्यू के बाद बिक्री बढ़ने वाली है सर? फेमस नाम तो नहीं है ऐसा, बस अशोका मोड़ बोल दोगे तो उसी में पहचान गए, उसी में पहचान, अशोका मोड़ के नाम से मशहूर है वो चाय। कोई ऐसा प्लान बना रखा है कि अगले 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में कि हाँ 10 साल बाद तो फिर मैं राजनीति से रिटायर हो जाऊँगा, कोई सोचा है दिमाग में कुछ ऐसा कुछ? देखो अंतिम सांस तक तो सेवा करने का मन है जी, जब तक मेरा शरीर काम करेगा, बाकी संगठन तय करेगा मुझे क्या करना है। जो जिम्मेदारी संगठन देने का उसके लिए आप तैयार? अभी रिसेंटली आपकी हाल ही में विद साहब से बात हुई? होती रहती होती रहती, दुख से कुछ नाराजगी जाहिर की? होती रहती, लगा था सर उन्होंने मोदी जी भाई हैं, परिवार भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, मेरा उस समय से संपर्क है जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा था पहली बार जी, उस समय से मेरा उनके लिए मैंने जाकर वोट मांगे। तो उसके बाद वो पार्टी भी छोड़ गए थे, निर्दलीय भी लड़े थे, उस समय की स्थितियाँ थी तो पार्टी के प्रति वो निष्ठावान नेता हमारे, आपकी बात होती रहती है निष्ठावान, और मनोहर लाल जी से नायब सैनी जी से लगातार लगातार मेरी सबसे होती रहती है। कुछ गप्पे वप्पे लड़ाते हो सारी सीरियस बात करते हो? पार्टी की बात होगी और भी सर, कुछ नॉन सीरियस बातें भी तो होती होंगी, हंसी मसी भी बातें चलती रहती हैं, हमारा नायब सैनी तो वैसे ही हंसता रहता है तो कभी मस्ती मजाक की गप्पे शप्पे वाली बात भी होती है सर मनोहर लाल जी से? हाँ हाँ चलता रहता है। वो आपने वीडियो देखा होगा नायब सैनी जी का, वो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है सीएम बनकर, मजे आ रहे हैं? नहीं ऐसा तो मैं नहीं समझता, वो संगठन की जिम्मेवारी है। उनका रिएक्शन आया था कि मजे आ रहे हैं, जिम्मेवारी दी है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रदेश के नेतृत्व धन्यवाद करते हैं कि मुझे ये जिम्मेवारी का समझा के मैं इस लायक हूँ। सर एक है ना, जब हरियाणा और पंजाब जब एक साथ था तो ये जो पूरा एरिया था, इस पूरे एरिया को पंजाबी एरिया कहा जाता था, मतलब यहाँ कोई जाति है अलग अलग नहीं था कि यहाँ कोई ये जात इस जात का है इस जात का, सभी यहाँ पंजाबी थे जो यहाँ रहते थे। तो उस समय एक कहावत थी, अभी भी है, कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, आपने भी सुनी होगी, आपको लगता है ये सच बात है? नहीं, हमारे बुजुर्ग जो थे पाकिस्तान से पश्चिम पंजाब से, लाहौर देखा तो नहीं जी, सुना है हमारे जो बुजुर्ग बताते थे। कभी जाने की इच्छा है आपकी? मौका मिले तो जाएंगे, समय लगे तो ढूंढ जाएंगे। अच्छा है, तो जो पार्टी का फिर एजेंडा बीच में नहीं आएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला वो ऐसा? नहीं, एक हमारा जो श्रद्धा है जी गुरु नानक देव जी का, वो सर गुरु नानक जी की जो जी। हमारी आस्था है जी, जो पाकिस्तान के अमृतसर के 10 किलोमीटर दर्शन करने का मुझे आनंद आएगा। करतारपुर? करतारपुर
मैं भी गया हूँ सर करतारपुर, बहुत अच्छी ये पहल है। क्या गुरुओं का हो दोनों देशों वहाँ जाने में हमें क्या, तो आप जाना चाहते हैं लाहौर घूमना चाहते हैं, तो ये तो आपने अभी सार्वजनिक तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, शायद पार्टी ही आपको इसके लिए आगे करेगी, आप जाइए और देखिए। इच्छा व्यक्तिगत कोई भी हमें पार्टी रोक देती है। सर एक आखिरी सवाल, कोई रोहतक से जो भी नया चेहरा होगा जो आपके बाद कमान संभालेगा या आपके बाद इसको टिकट मिलेगी, उसको आप ही सेलेक्ट करेंगे, आप सिफारिश तो करेंगे ना, आप सिफारिश करेंगे ना आप सेलेक्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, जो सेलेक्ट होगा उसको सिखाएंगे। बड़ा संगठन है, बड़ा सीखते हुए आते हैं, या इस पद पे आ जाता है सीखता है। भजनलाल शर्मा जी बड़े ना मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी बड़े ना मुख्यमंत्री, सब संगठन में काम करते करते कार्यकर्ता खूब अपने आप सीख जाता, किसी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगा सर हमसे बात करके आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपसे मुलाकात हुई जी। कुछ बिंदुओं को आपने कोई बिंदु टच किए जो कोई नहीं टच करता, तो धन्यवाद आपने। वो सही किया या गलत किया? मैं तो सही कहा है, मैं तो कहा okay. सर आखिरी दो शब्द जो आप लोगों से कहना चाहते हैं इस कैमरे में देख के। मेरा धन्यवाद है, आपने मुझे कैमरे के सामने बिठाया। मैं हरियाणा के मतदाता, देश के मतदाता से अपील करूंगा कि 2047 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत की सोचा है, उस विकसित भारत के लिए सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दें। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो भारत 140 करोड़ का देश है, वो प्रगति करे, ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।